दोस्तों बीते दिनों बॉलीवुड के लवेबल कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के बंधन में बन चुके हैं, जिन्होंने अपने इस ग्रैंड वेडिंग में सभी फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट किया। लेकिन मीडिया इनकी शादी से कोसों दूर रही, क्योंकि इन्होंने भी अपनी इस ग्रैंड वेडिंग में नो फोन पॉलिसी जारी रखी थी। जहाँ अब शादी के बंधन में बंधने के बाद कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर में जाकर ससुराल की कुछ अहम रस्में निभाई है, जिन्हें करते हुए कियारा आडवाणी बेहद खुश थी। पर आखिरकार कौन सी है वो रस्में, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गृह प्रवेश। पहली रस्म जो कियारा आडवाणी ने की है वो है गृह प्रवेश की रस्म, जहां इन्होंने अपना पहला कदम सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर में रखा था और अपने शुभ पैरों से उनके घर में एक लक्ष्मी का प्रवेश हुआ। जी हां, जब कियारा आडवाणी अपने पैरों से कलश गिराकर अपने ससुराल में स्वागत किया और इसे करके कियारा आडवाणी बेहद खुश थी, क्योंकि अब वो अपने प्यार की जिंदगी में हमेशा के लिए आ चुकी है। रिंग ढूंढने वाली रस्म। दूसरी रस्म जो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साथ में की थी वो रिंग ढूंढने वाली रस्म, जहां कढ़ाई में दूध और गुलाब नजर आ रहे थे और उसी के अंदर दोनों की रिंग डाल दी गई थी और दोनों को इस रिंग को ढूंढना था और इस रस्म को इस कपल ने खूब इंजॉय किया। पहली रसोई। तीसरी रस्म थी कियारा आडवाणी की पहली रसोई और कियारा आडवाणी ने अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाया था, जहां इनके हाथों से मीठा खाकर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बहू ने पहली बार अपने ससुराल में कुछ मीठा बनाया था जिसके लिए सभी ने इन्हें नेक दिया था। वेल दोस्तों, आप कियारा आडवाणी की इन रस्मों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।